दारू कैसे छुड़वाएं। वैसे तो जो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये मुख्य पांच प्राणायाम करते हैं, थोड़ा योगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें अपने आप बीटा इंडोरफिन इनकैप्लिन ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये घटने लगते हैं। इसलिए जिनको नशा करने की आदत है वो योगाभ्यास करना शुरू कर दें, नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। और जैसे जैसे हम योगाभ्यास करने लगते हैं तो अनुभव आने लगता है कि यदेह देवालय शिवालय है, ये शरीर अयोध्या है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हृण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। ये देह देवालय है, शिवालय है, मैं शिवरूप पार्वती रूप आत्मा हूँ, मैं लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती राममय कृष्णमय आत्मा हूँ। जब हम अपने आप को इस रूप में देखते हैं तो नशा करने की इच्छा ही नहीं होती, और योगाभ्यास से सचमुच नशा दूर होता है। फिर भी इसका एक उपाय और बताता हूँ मैं, जो हमने बहुत लोगों को बताया। लगभग 200 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और उसको करीब करीब 2 लीटर पानी में पकाइए। धीरे 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 पकते पकते जब ये आधा लीटर बच जाए तब उसको छान करके रख लीजिए। 2 चम्मच ये अजवाइन का पानी सामान्य पानी में मिला करके पी लीजिए। एक तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और नशा करने की इच्छा नहीं होगी। इस प्रयोग से हमने हजारों लोगों की दारू छुड़वाई है। फिर जो गुटखा खाने की जिनको आदत है, तो पतंजलि के एक शोधित हरड़े पाचक हरड़ मिलती है, उसमें हिंगोली भी है, उसमें अनारदाना भी है, उसमें छुआरा भी है, उसमें अजवाइन भी है, और उसमें ये मेथी भी है, और सबसे अच्छा उसमें और सबसे ज़्यादा लोग उसको लाइक भी करते हैं शोधित हरड़े। तो जो हरड़ की गोली है उसको मुंह में चूसते रहिए। मैंने देखा 5-7 दिन में ही लोगों का गुटखा छूट जाता है। ये बहुत बड़ी मैं आपसे बात बता रहा हूँ, और सैकड़ों लोगों की कही भी बात आपसे बता रहा हूँ जो पहले गुटखा खाते थे और उनका गुटखा छूट गया शोधित हरड़े खाने से।